जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। आज के सेशन में हम इम्पॉर्टेंट डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर के एमसीक्यूज को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको आर्मी नेवी एयरफोर्स की इम्पॉर्टेंट लेक्चर क्लास डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर से रिलेटेड आपकी कवर कराई हुई है, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बन पाएंगे इसको हम आज कवर करने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, वेयर इज द नेशनल डिफेंस एकेडमी लोकेटेड? पुणे, देहरादून, चेन्नई या फिर गया? ऑप्शंस आप सभी पढ़िए और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देते जाएं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, पुणे खड़कवासला महाराष्ट्र में भारत की एकमात्र ज्वाइंट सर्विसेज ट्रेनिंग सेंटर है, जहां पर हमारे यंग गर्ल्स और बॉयज कैंडिडेट अपने 3 ईयर्स के ट्रेनिंग कोर्स को कंप्लीट करते हैं और फोर्थ ईयर के लिए वो अपने रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग ब्रांच आपके चले जाते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन ए, पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन एंटी सबमरीन वॉरफेयर इन द इंडियन नेवी? नेवल वॉर कॉलेज गोवा, एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल INS विंधुरती कोची, इंडियन नेवल अकेडमी एजीमाला या फिर आपका गोवा में स्थित नेशनल हाइड्रोग्राफिक स्कूल? भारतीय नौसेना का कौन सा ऐसा वॉरफेयर स्कूल है, ट्रेनिंग सेंटर है, जिससे कि हमारे ऑफिसर्स को एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसको शॉर्ट फॉर्म में आपने देखा होगा कि काफी बार हम ASW आपका लिखा करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोची के INS वेंधुरती में स्थित एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्कूल, यानी कि पनडुब्बीरोधी युद्ध कौशल स्कूल जो है आपके कोची INS वेंधुरती में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द एयरफोर्स एकेडमी लोकेटेड? डुंडीगल, हैदराबाद, बेगमपेट, येलहंका बेंगलुरु या फिर बीदर? अभी हमने पहला क्वेश्चन कवर किया NDA से रिलेटेड और दूसरा आपका AFA एकेडमी से है। काफी बार आपने इनके जो है POP परेड देखा होगा इस सेंटर की, और इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, डुंडीगल, हैदराबाद। जैसा मैंने बताया, NDA में जब आप 3 साल अपना ट्रेनिंग पूरा करते हो तो चौथे साल के लिए कहाँ पे जाओगे? अगर आपने एयरफोर्स को ऑप्ट किया तो चौथे साल एयरफोर्स एकेडमी जाओगे, या फिर आपने FCAT पास किया तो आपको सीधा एयरफोर्स एकेडमी में भेजेंगे जिससे कि आप अपनी ट्रेनिंग यहाँ पर कंप्लीट कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आपका राइट आंसर, इसका राइट आंसर तो आपका दिया हुआ है, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन नेविगेशन इन द इंडियन एयरफोर्स? तो इसका आपका राइट आंसर है, नेविगेशन ट्रेनिंग स्कूल बेगमपेट। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देखते चलिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वेयर इज द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC लोकेटेड? पुणे, देहरादून, चेन्नई, गया? भारत का एकमात्र कॉलेज राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है जिसमें आपकी क्लास 12th तक की जो है पढ़ाई करवाई जाती है, और ये हमारे सेना के द्वारा बनाया गया एक ऐसा स्कूल है जहां पर काफ़ी कम संख्या में बच्चों को आपका स्कूलिंग दी जाती है जिससे कि वो मेनली फोर्सेस में अपना करियर बना सकें या फिर आगे चलकर किसी बड़े संस्थान को ज्वाइन कर सकें। तो ये उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन मैरीटाइम वॉरफेयर इन द इंडियन नेवी? नेवल वॉर कॉलेज गोवा, मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर कोची, INS शिवाजी लोनावाला या फिर INS द्रोणाचार्य कोची? इस क्वेश्चन का आप सभी राइट आंसर देते जाएं। ट्रेनिंग ऑफिसर मैरीटाइम वॉरफेयर से संबंधित युद्ध कौशल प्रशिक्षण भारतीय नौसेना इनमें से किस जगह पर आपका देती है? तो इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज द मैरीटाइम वॉरफेयर सेंटर कोची। और आप जानते हो कि हमारे जो इंडियन नेवी है उनका सदर्न नेवल कमांड भी कहां पर है? कोची में है, और उस सदर्न नेवल कमांड को क्या कहते हैं? ट्रेनिंग कमांड कहा करते हैं, तो ये आप जरूर जाने रहिए। वेयर इज द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल लोकेटेड? ऑप्शंस में आप देखिए, बताइए कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कहां पर है। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री नहीं बल्कि RMC, रुड़की, अजमेर, फतेहगढ़ या फिर दानापुर? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, आपके अजमेर में यह अवस्थित है, राजस्थान। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन अंडर सी वॉरफेयर इन द इंडियन नेवी? स्कूल ऑफ एडवांस अंडर सी वॉरफेयर विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी कोची, नेविगेशन एंड डायरेक्शन स्कूल वेंधुरती या फिर नेशनल हाइड्रोग्राफिक स्कूल?
तो जो अंडरसी वॉरफेयर से संबंधित ट्रेनिंग होती है भारतीय नौसेना के किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, स्कूल ऑफ एडवांस अंडर सी वॉरफेयर। ऑप्शन से भी लग रहा था और यही आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज लोकेटेड? सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, बेंगलुरु, सिकंदराबाद, वेलिंगटन या फिर आपका कैनोरी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द वेलिंगटन। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन हेलीकॉप्टर ऑपरेशन इन द इंडियन एयरफोर्स? STS हाकिमपेट, बेसिक फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल इलाहाबाद, 112 हेलीकॉप्टर यूनिट यलहंका बेंगलुरु, फिक्स विंग ट्रेनिंग फ्लाइंग यलहंका बेंगलुरु। इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल हाकिमपेट। तो ये आपका STS है, हाकिमपेट में आपका अवस्थित है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन मेडिकल सर्विसेज इन द इंडियन आर्मी? AFMC पुणे, AFMC सेंटर इन स्कूल लखनऊ, स्कूल फॉर मेडिकल असिस्टेंट्स मुंबई या फिर मेडिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेंगलुरु। तो अगर हम इंडियन आर्मी के लोगों को मेडिकल सर्विसेज से संबंधित ट्रेनिंग देखें जो ऑफिसर्स की कराई जाती है, वो आपके AFMC पुणे महाराष्ट्र में करवाई जाती है, जहां पर उनको MBBS की आपकी डिग्री दी जाती है और वो एक 2-स्टार ऑफिसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत किया करते हैं। वेयर इज द कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग लोकेटेड? CME, पुणे, मऊ, जबलपुर, कोयम्बटूर। तो इसका आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, दैट इज द पुणे। ठीक है, तो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग आपके पुणे महाराष्ट्र में है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन इंडियन आर्मी? इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग वडोदरा, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, 1 इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर सेंटर सिकंदराबाद, मैकेनिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ताम्बरम चेन्नई। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द डिफेंस सिक्योरिटी कोर सेंटर लोकेटेड? कैनोरी, सवाथु, गोपालपुर उड़ीसा या फिर आपका ले? तो DSC का जो सेंटर है वो कैनोरी में आपका लोकेटेड है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन फिजिकल फिटनेस इन द इंडियन आर्मी? हमारे जवान फिजिकली फिट रहें तो उसके लिए ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा, डिफेंस सिक्योरिटी कोर सेंटर या फिर एयरफोर्स स्कूल ऑफ फिजिकल फिटनेस बेलगाम? तो इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, ASPT आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग आपका पुणे में स्थित है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेवल वॉर कॉलेज लोकेटेड? गोवा, लोनावाला, जामनगर, मुंबई। तो नौसेना युद्ध महाविद्यालय, नौसैनिक युद्ध महाविद्यालय आपके गोवा में स्थित है। संग्रामे नैपुण्यम इनका मोटो है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन कम्युनिकेशन इन द इंडियन एयरफोर्स? कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालहाली, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जालहाली बेंगलुरु, 1 सिग्नल ट्रेनिंग स्कूल सेंटर जबलपुर, 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर पणजी। और इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जालहाली बेंगलोर में कम्युनिकेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द नेवल स्कूल ऑफ म्यूजिक लोकेटेड? मुंबई, विशाखापत्तनम, कोची या फिर सवाथू? तो बात करते हैं नेवल स्कूल ऑफ म्यूजिक की, तो ये आपके मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। विच इंस्टीट्यूट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग ऑफिसर इन सिग्नल्स इन इंडियन आर्मी? 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, 2 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर, सिग्नल स्कूल वेंदुरथी या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन। तो इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए है, जबलपुर में 1 सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं पर आपका ये है। तो जो अभी मैंने आपको पिछली 3 क्लासेस पढ़ाई हैं उसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की सभी ट्रेनिंग सेंटर्स को उसमें कवर किया है। अगर आपने उस क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा तभी इस क्लास में सभी क्वेश्चंस को आप करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज लोकेटेड? AADC कहाँ पर है? नासिक रोड, मारवी, गोपालपुर या फिर बेलगाम? तो इनका आपका जो कॉलेज है ट्रेनिंग कॉलेज वो गोपालपुर उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इनका मोटो क्या है? इनका मोटो है आकाशे शत्रुन
जय हिंद, यानी कि किल लाइन में इन द स्काई। विच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इज एसोसिएटेड विद कॉम्बैट आर्मी एविएशन लोकेटेड इन नासिक रोड? कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल, हैवी ब्रिजिंग ट्रेनिंग कैंप, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज, जूनियर लीडर्स विंग, इन्फेंट्री स्कूल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट लोकेटेड? इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, पुणे, नासिक, मारवी, गोपालपुर। तो ये आपका पुणे महाराष्ट्र में लोकेटेड है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, विच इंस्टीट्यूट इज अंडर द डिफेंस लेबोरेटरी एंड जोधपुर एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग? MILIT, DTI, TTC या फिर आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट? तो ये आपका DRDO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वेयर इज द डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लोकेटेड? मसूरी, पुणे, जोधपुर या फिर आपका बैंगलोर। तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आपके पुणे महाराष्ट्र में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन मसूरी एंड फोकसेस ऑन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट? ये आखिरी क्वेश्चन है आपका। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग या फिर DRDO ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ITM, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक शेयर जरूर करें। दीज आर दी कोर्सेज रिटन विद SSB क्रैक एग्जाम। आने वाले अपने SSB इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्सेज में आप जरूर जुड़ें। सभी की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉरिटन कोड का यूज करें जिससे कि एडमिशन लेते वक्त आप सभी को 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे कोर्सेज में मिल जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।